टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में विविध हुई खंड गैंगरेप मामले में हुई कार्यवाही। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। डीसीपी पूर्वी ने चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड। इंस्पेक्टर के खिलाफ भी दिए गए जांच के आदेश। लखनऊ के विभूति खंड मामले में इंस्पेक्टर की कार्यवाही, जांच के बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ हो सकती है कार्यवाही। गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ में विभूति खंड गैंगरेप मामले में हुई कार्यवाही। लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीसीपी पूर्वी चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड, इंस्पेक्टर के खिलाफ भी दिए गए जांच के आदेश। शादाब, विभूति खंड का जो गैंगरेप का मामला आया उस पर कार्यवाही की गई और इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आई है अभी तक? देखिए मैं बता दूं, जिस हिसाब से थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े एक छात्र को अगवा करके रेप किया जाता है, उसके बाद बीच सड़क पर देख के उन लोग फरार हो जाते हैं। ये बड़ी घटना है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। वही लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस जो लखनऊ के जो विभूतिगंज थाना क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे लगातार ये मुख्यमंत्री के जो आदेश उन पर पानी फेरते हुए नजर आ रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जब 18 घंटे तक पीड़िता इधर इधर उधर करती रही कि इसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, बाद में जब डीसीपी ईस्ट के पास ये जानकारी पहुंची उसके बाद इसका मुकदमा लिखा गया और उसके बाद ही इसको अस्पताल में इसका जो मेडिकल है वो कराया गया। फिलहाल अभी तक जो चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वही जो जानकारी आ रही है, जो विभूति खंड थाना इंस्पेक्टर हैं और गोमती नगर उसी के साथ जो सुशांत बोलती थी उनके पर नोटिस जारी किया गया है कि क्या ये मामला था, क्यों ये मामला छुपाया गया और अधिकारी तक नहीं पहुंचाया गया। अब ये देखने वाली बात है कि कब इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होती है या आगे क्या निकल के आता है। फिलहाल अभी एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरा आरोपी जो फरार बताया जा रहा है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कब तक उसकी अरेस्टिंग होती है। जी शादाब, देखा जाए तो आम जनता हुई, चाहे महिलाएं हुई, चाहे पुरुष या लड़कियां, अपनी दिनचर्या कार्यों पर जब निकलते हैं, चाहे कॉलेज जाना हुआ या ऑफिस जाना हुआ, तो ऐसी साधनों का उपयोग करके जाते हैं, चाहे वो ऑटो हुआ, रिक्शा हुआ, कैब हुआ, बस हुआ, तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और पेड़ लोगों पर कई सवाल खड़े कर देती है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ये घटना है तो ये पुलिस पे एक सवालिया निशान भी बनता है कि जिस हिसाब से दिन दिहाड़े महिला के साथ रेप होता है उसका अपहरण किया जाता है लेकिन पुलिस सिर्फ गश्त करती नजर आती है, ये बड़ा सवाल है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला की सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं, वही जो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस है वो उनके अरमानों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही अगर डीसीपी ईस्ट की बात की जाए वो लगातार इस पर कार्रवाई की नजर आ रही है। वो महिला पीड़ित महिला छात्रा से मिलने भी गई थी, उन्होंने अस्पताल जाके उनसे मुलाकात की, पूरी जानकारी ली, उसके बाद ही से आज एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसके एक आरोपी अभी भी फरार है। फिलहाल अभी ये देखने वाली बात है कि अब कब वो आरोपी गिरफ्तार होता है, लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है और बहुत लोगों से पूछताछ भी की है। अब फिलहाल ये मामला गंभीर है, ऐसी घटना जो हुई है वो निंदनीय है। अब ये देखने वाली बात है कि इंस्पेक्टर पे क्या कार्रवाई होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शादाब हमसे जुड़ने के लिए।